हेलो स्टूडेंट, ये जो हमारा चैप्टर चल रहा है एमएस ऑफिस माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, एमएस ऑफिस है वो पूरा पैकेज है, उसमें से एक एप्लीकेशन हम सीख रहे हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, और वो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के बारे में मैं आज आपको आगे बता रही हूँ। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में हमने फॉर्मेटिंग सीखा, आगे कलर चेंज करना फॉन्ट का और कॉपी पेस्ट करना, वो मैंने आपको आगे के वीडियो में बताया था। अब आप ये आज मैं आपको अलाइन सेट करना या फिर अंडरलाइन बोल्ड इटालिक वो सब लिखना, या फिर आप जैसे नोट में लिखते हो ना 1 2 3 4 नंबर देके, कोई कोई बच्चा क्या करता है उसमें स्टार वगैरह बनाता है, कोई उसमें एरो बनाता है, कोई रोमन अंक में लिखता है, कोई नॉर्मल नंबर में लिखते हैं ना, तो वो सारा मैं आज आपको यहाँ पे आगे बता रही हूँ। ठीक है, मैंने यहाँ पे कुछ टॉपिक लिखे हुए जो आपके लेशन के रिलेटेड है, और जो मैंने आपको काफी कुछ इसमें से सिखा दिया और काफी कुछ अभी सिखा रही हूँ उसके टॉपिक लिखा हुआ है। फर्स्ट मैंने लिखा है सिलेक्ट द टेक्स्ट माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, मतलब ये जो वर्ड में जो भी आपने लिखा है उसके टेक्स्ट बड़े करने के लिए या छोटे करने के लिए या फिर कलरफुल करने के लिए पहले हमको क्या करना पड़ता है, उसको सिलेक्ट करना पड़ता है। ठीक है, तो जैसे मेरा कर्सर यहाँ आगे की साइड है, वैसे मैं माउस क्लिक करूंगी तो भी ये देखो सिलेक्शन आई क्या ना, पर अगर ऐसे नहीं आता है तो मेरा कर्सर जहाँ पे है वहां से अपोजिट साइड की एरो की प्रेस करनी है, और उससे पहले हमको शिफ्ट की दबा के रखनी है। शिफ्ट की दबा के रखो और हमको आगे जाना है, इसलिए उस साइड की एरो की प्रेस करेंगे, देखो वैसे वैसे वो सिलेक्ट होता जा रहा है, देखो हो रहा है ना। ठीक है, अब ये हमारा टॉपिक क्या है, सिलेक्ट द टेक्स्ट इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, सिलेक्ट किया। अब हम इसमें इसके साइज बढ़ा देंगे, जैसे मैंने कर दिया 24, देखो साइज बड़ी हो गई। अब वापस कुछ वर्क करने के लिए इसको सिलेक्ट करना पड़ेगा, मैं माउस का एक वन टाइम क्लिकिंग करूंगी तो भी ये सिलेक्ट हो जाएगा, अगर वैसे नहीं हो रहा है तो आपका कर्सर जहाँ पे है वहां से अपोजिट साइड, मतलब जहाँ आगे बढ़ना है उस साइड की एरो की प्रेस करो, उससे पहले शिफ्ट की दबा के रखो फिर एरो की प्रेस करो, देखो सिलेक्ट हो रहा है। ठीक है, अब इसमें मुझे कलर चेंज करना है उसका, तो यहाँ नीचे कलर दिए हुए उसमें से कोई भी एक जो भी कलर मुझे पसंद आए उसको सिलेक्ट करूंगी और ओके दे दूंगी, देखो कलर चेंज हो गया। ठीक है, अब इसके नीचे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड लिखा है उसके नीचे मुझे सिर्फ लाइन चाहिए, अंडरलाइन चाहिए, तो देखो यहाँ पे यू लिखा हुआ है उसके ऊपर मैं क्लिक करूंगी, वैसे ही देखो अंडरलाइन आ गई आ गई। ठीक है, अब अगर हटा देना है मुझे अंडरलाइन तो इसको मैं वापस से सिलेक्ट करूंगी पूरा वर्ड लिखा, ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड लिखा हुआ, ठीक है, और मैं अंडरलाइन हटा दूंगी तो ये हट जाएगा, देखो अंडरलाइन हट गई। ठीक है, अभी ये अलाइन है, मतलब आपने जो लिखा है, हम लोग नोट्स में लिखते हैं तो कैसे लिखते हैं, बाय डिफॉल्ट आगे से स्टार्ट करते हैं और कभी कभी उसमें पैराग्राफ भी बनाते हैं, है ना, अगर आप क्वेश्चन आंसर लिख रहे हो तो उसमें नंबर देते हो, पर अगर आप कोई स्टोरी लिखते हो तो उसमें पैराग्राफ बनाते हो। ठीक है, तो यहाँ पे मैं ये पूरा सिलेक्ट करती हूँ, देखो ये सिलेक्शन अगर आप चाहो तो ऐसे मेरा बिल्कुल नीचे है एरो, और शिफ्ट दबा के मैं पहले थोड़ा आगे बढ़ूंगी और फिर ऊपर की अप की जो एरो की है उससे मैं क्लिकिंग करूंगी, देखो कैसा फटाक से पूरा सिलेक्ट हो गया ना। ठीक है, अब मुझे इसके आगे नंबर देने हैं, फॉर्मेटिंग करना है इसमें, आगे मुझे नंबर देने हैं तो इसके ऊपर मैं क्लिक करूंगी, देखो नंबर आ गए सारे, 1 2 3 4 10 टॉपिक लिखा है, 10 के 10 नंबर आ गए। ठीक है, अगर मुझे नंबर नहीं चाहिए तो मैं कंट्रोल जेड दूंगी, कंट्रोल जेड से क्या होगा, जो हमने लास्ट वर्क किया होगा वो चला जाएगा,
मतलब अनडू हो जाएगा। मैंने आगे के वीडियो में आपको शॉर्टकट की लिख के बताई थी, कंट्रोल प्लस जेड, ये है अंडू। अंडू, अंडू का मतलब क्या होता है कि वो जो आपने लास्ट वर्क किया होगा, वो लास्ट वाला वर्क है वो आपको हटा देना है। तो आप ये अंडू वाली की जो है वो प्रेस करोगे तो ये जो लास्ट वर्क किया होगा वो चला जाएगा। हमने देखो लास्ट में किया था ना, क्या किया था हमने, नंबर दिए थे, वो नंबर चले गए। ठीक है, अब हमको वो नंबर की जगह समझो कि रोमन अंक लाना है या फिर कोई सिंबल लाना है, तो वो करने के लिए वापस हम ये पूरा सिलेक्ट करेंगे। फिर बाजू में देखो लिखा है बुलेट्स, जो आप डिजाइन बनाते हो ना स्क्वायर या फिर ट्रायंगल या फिर स्टार, उसको कंप्यूटर की लैंग्वेज में बुलेट बोला जाता है। ठीक है, उसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये देखो बाय डिफॉल्ट जो भी बुलेट होगी वो यहाँ पे आपको दिखाई देगी। देखो सर्कल बने हुए दिखाई दे रहे, पर अगर हमको ये नहीं चाहिए तो क्या करना है, हमको वापिस कंट्रोल दबा के रखना है और जेड प्रेस करना है, तो ये चला जाएगा। देखो चली गई, आगे जो भी मैंने ना बुलेट लगाए थे, मतलब जो भी ड्राइंग बनाया था वो सारा चला गया। ठीक है, अब ये जो भी मैंने लिखा है उसके ऊपर अगर मुझे समझो बॉर्डर बनानी है, तो यहाँ पे देखो लिखा है आउटसाइड बॉर्डर, पर यहाँ पे बहुत सारी बॉर्डर दी हुई है। देखो फर्स्ट वाला है आउटसाइड बॉर्डर, फिर दिया है ऑल बॉर्डर, मतलब छोटे छोटे बॉक्स के ऊपर भी बॉर्डर आ जाएगी। अगर आपको सिर्फ टॉप में बॉर्डर चाहिए तो वो है, लेफ्ट में चाहिए तो वो है, फिर ये सिर्फ हॉरिजॉन्टल बॉर्डर चाहिए तो ये डिसेंडिंग जो आपको टेढ़ा जो लाइन खींचनी है वो है, ये सिर्फ इनसाइड बॉर्डर है, ये है नो बॉर्डर, मतलब अभी कोई बॉर्डर बनी हुई नहीं है। फिर बॉटम बॉर्डर है, राइट साइड है, आपको जिस साइड पे चाहिए वैसा आप बना सकते हो। अगर समझो कि मैंने ये राइट साइड वाली बॉर्डर बनाई, देखो यहाँ पे लाइन बन गई। ठीक है, अगर समझो मैंने टॉप वाली बनाई तो ये देखो ऊपर बन गई बॉर्डर। ठीक है, पर अगर मुझे पूरा ही बॉक्स बनाना है तो मैं क्या करूँगी, फिर यहाँ जाके आउटसाइड बॉर्डर और फिर ओके दे देंगे। देखो ये बॉर्डर बन गई। ठीक है, तो इस तरह से आप इस पे बॉर्डर भी ला सकते हो। क्लियर, समझ में आया? अगर आपको बॉर्डर का कलर चाहिए तो वो भी आप उसमें कर सकते हो, बॉर्डर बनाने के टाइम आप उसमें कलर भी ला सकते हो। ओके, तो ये आपको मैंने बताया कि बॉर्डर वगैरह लाना है कैसे ला सकते हैं, फिर मैंने आपको बुलेट्स और वो सब भी बताया कैसे ला सकते हैं, 1 2 3 4 नंबर लाना था वो भी मैंने आपको बताया कैसे ला सकते हैं। ठीक है, मैं ये सारे के फॉन्ट बड़े कर देती हूँ ताकि आपको अच्छे से अगर आप पढ़ना चाहो तो पढ़ भी सको। ठीक है ना, देखो सिलेक्ट टेक्स्ट, मैंने आपको टेक्स्ट के बारे में बताया, टेक्स्ट सिलेक्ट करके आप उसको कॉपी पेस्ट कर सकते हो, वो मैंने आपको बताया था। अंडू मतलब लास्ट काम जो आपने किया वो भी आप हटा सकते हो। सेकंड नंबर पे लिखा है फॉर्मेट टेक्स, अगर आप टेक्स का कलर साइज फॉन्ट स्टाइल वो जो भी चेंज करना चाहते हो वो कर सकते हो। कि क्रिएट लिस्ट विथ बुलेट एंड नंबर, आप बुलेट या नंबर भी ला सकते हो। यूज मिनी टूल बार, ये जो मिनी टूल बार है ना हमने वो यूज किया, बाकी आपको अगर अच्छे से डीप में कुछ भी करना है तो ये मेनू है उसके ऊपर क्लिक करो, फिर अंदर जाके भी आप उसमें ये जो सब मेनू है उसको यूज करके भी आप उसमें वर्क कर सकते हो। ठीक है, फिर है स्पेलिंग चेक एंड ग्रामर, ग्रामर और स्पेलिंग अगर आपकी गलत है तो देखो नीचे रेड लाइन या ग्रीन लाइन दिखेगी, अगर आपका स्पेलिंग गलत होगा तो रेड लाइन दिखेगी, अगर आपका ग्रामेटिकल मिस्टेक होगा तो ग्रीन लाइन दिखाई देगी। और वो आप यहाँ टूल मेनू में जाके फर्स्ट लिखा है देखो स्पेलिंग एंड ग्रामर, वहां जाके आप उसमें चेंजेस कर सकते हो, जो सही स्पेलिंग हो वो आप वहां से ला सकते हो। ठीक है,
उसके बाद है एडिट द टेक्स्ट, कट कॉपी पेस्ट, मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था। अगर आप कोई भी जो भी टेक्स्ट है वो आप अगर लाना चाहते हो उसको कॉपी करो और आप ला सकते हो। जैसे कि मैं फिर से बता दूं, शिफ्ट के साथ ये पूरा मैंने पहले सिलेक्ट किया। कुछ भी वर्क करने से पहले आपको सिलेक्ट तो करना ही पड़ेगा, फिर मैंने कंट्रोल दबाया, सी दबाया, ताकि ये कॉपी हो गया। अगर आपको यहाँ पे वापस यही लाइन चाहिए तो आप यहाँ पे जाके पेस्ट करो, देखो आ गई वही लाइन वापस आ गई। ठीक है, अगर आपको ये लाइन वहाँ पे नहीं चाहिए तो आप कंट्रोल जेड दे दो, मतलब अंडू, वो चला जाएगा। पर अगर आपको ये कट करना है तो उसको वापस सिलेक्ट करो, ठीक है, और कंट्रोल एक्स दे दो तो ये कट हो जाएगा, सिंपल। तो ये मैंने आपको कट कॉपी पेस्ट बताया, अंडू बताया, फिर मैंने आपको बॉर्डर सेट करना बताया, जो भी आपने लिखा है उसके अराउंड बॉर्डर बनाना सिखाया, और फिर मैंने आपको अंडू बताया। अब आपने अंडू किया, समझो लास्ट जो भी वर्क किया है वो आपको नहीं चाहिए, या फिर वो ही आपको चाहिए और आपने कट कर दिया था, तो आप अंडू करोगे तो वो वापस आ जाएगा, देखो आ गया। और अंडू का ऑपोजिट है रीडू। रीडू मतलब अगर आपने अंडू किया है और उसको समझो कि आपने ये ऑल टेक्स्ट सॉरी अलाइन द टेक्स्ट लिखा हुआ है वो आपने हटा दिया था अंडू करके, तो आप रीडू करोगे तो वो वापस आ जाएगा। और रीडू की शॉर्टकट की है कंट्रोल वाई, क्या है, कंट्रोल वाई। ठीक है, तो ये मैंने आज आपको फॉर्मेटिंग आगे बताया कि आप इतनी तरीके से इसमें वर्क कर सकते हो MS Word में। ठीक है, ओके, थैंक यू।